यशोधरा नगर में बकाया बिजली बिल वसूली के लिए गए महावितरण के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि 24 सितंबर को चौरसिया कुंदनलाल गुप्ता नगर में आरोपी दिनेश बारसागढ़े के घर बिजली बिल की बकाया रकम वसूलने गए थे। इस दौरान दिनेश ने चौरसिया और उनके अन्य सहयोगियों के साथ मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा निर्माण करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने धारा 353-232 के तहत मामला दर्ज किया है। यशोधरा नगर में बकाया बिजली बिल वसूली के लिए गए महावितरण के कर्मचारियों से धक्का मुक्की किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी दिनेश बारसागड़े के खिलाफ इस संबंध में मामला भी दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार लखनलाल चौरसिया ने यशोधरा नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। गत 24 सितंबर को सुबह 11 बजे चौरसिया कुंदनलाल गुप्ता नगर में आरोपी दिनेश बारसागड़े के घर बिजली बिल के बकाया रकम वसूलने गए थे। इस दौरान दिनेश ने चौरसिया और उनके अन्य सहयोगियों के साथ मारपीट कर धक्का मुक्की कर सरकारी कार्य में बाधा निर्माण करने की कोशिश की। दिनांक 24/9/2022 और बीच एमएसईबी के कर्मचारी कुंदनलाल गुप्ता नगर के यहाँ तकी बिल के बारे में इंक्वायरी के लिए गए थे। वहाँ एक प्राइवेट पर्सन के साथ कुछ गाली गलौज और काम में रुकावट का मामला हुआ। उसके बारे में यशोधरा नगर पुलिस थाने में मुकदमा दाखिल है और आगे की कार्रवाई चल रही है। सरकारी कर्मचारी ये अपना काम करते समय वो गवर्नमेंट का काम करते हैं, उनको कोई तकलीफ रहेगी तो कंसल पॉलिटिशन में आके उनका कंप्लेंट कर सकते हैं और पब्लिक ने भी उनको सरकारी काम करने में सहायता होना चाहिए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने धारा 353-332 के तहत मामला दर्ज किया है। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।